खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस महामारी के चलते चल रहे लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो सके, इसको लेकर शासन ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर दे रही है। जिला स्तर पर भी कॉलेज प्रबंधन अपने छात्र छात्राओं के पठन पाठन को लेकर गंभीर है। इसी के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई में भी ऑनलाइन शिक्षण की शुरुआत हो गई है। कॉलेज के 13 शिक्षकों ने 2000 छात्रों के पठन पाठन की जिम्मेदारी का निर्वहन तकनीकी के माध्यम से करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री सुधाकर वाजपेयी का कहना है कि यदि छात्र रुचि ले तो वास्तव में सार्थक परिणाम नजर आएंगे। शिक्षकों को भी आदि कोर्स पूर्ण कराने में जल्दबाजी नहीं करनी होगी। उनका कहना है कि इसमें अभिभावक का भी पूरा सहयोग करें। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण जो हमारी विद्यालय सारे बंद चल रहे हैं, लेकिन बच्चों का नुकसान न हो इसके लिए शासन ने ये आदेशित रखा है कि ऑनलाइन क्लास चलाई जाए। इस संबंध में हम लोगों ने अपनी कक्षा के बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। कक्षा बार सभी कक्षाओं का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें जितने भी विषय अध्यापक हैं उनको जोड़ रखा गया है। बच्चों के जो भी मोबाइल नंबर विद्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध थे उसमें जितने भी व्हाट्सएप एक्टिव है सभी जोड़ दिए गए हैं। लगभग 40-45% बच्चे जुड़ गए हैं और जिनके नंबरों में व्हाट्सएप एक्टिव नहीं है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो कोई एक वैकल्पिक नंबर उपलब्ध करा दें, अपने पिताजी का या माताजी का या भाई का या बहन का, जिस पे व्हाट्सएप नंबर एक्टिव है तो जल्दी से उनको भी जोड़ दिया जाएगा। एक टाइम टेबल बनाया गया है, जैसे कि नियमित रूप से विद्यालय टाइम टेबल होता है सुबह 8 से लेकर 2 बजे के बीच में, और प्रत्येक विषय अध्यापक को उसमें निर्देशित कर दिया गया है। वो अपने टाइम टेबल के अनुसार क्लासेस लेते हैं। क्लासेस लेने के लिए वो अपने स्वयं के बनाए हुए वीडियो या नोट्स की इमेज या ऑडियो क्लिप के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को जो भी समस्याएं आती हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, अध्यापक लोग उसको सॉल्व करते हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है ये और इससे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हैं। हम लोगों का यही प्रयास है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।